Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद को सब लोग खैरियत से होंगे। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो कहीं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अच्छा, मैं आज आपके लिए तकरीबन 10 जो है वो बाय कॉल लेके आया हूँ, और इन स्किप के अंदर आप काम करके जो है अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इनको जो है जो फंडामेंटल इनके बड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं इस वक्त, इनके जो सेंटीमेंट्स हैं वो भी अच्छे हैं, और मार्केट के हवाले से भी काफ़ी अच्छी खबरें इनकी आ रही हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो मेरे तकरीबन कुछ सेक्टर जो हैं, कुछ शेयर जो हैं वो उसके मुतालिक हैं, बैंकिंग सेक्टर के मुतालिक हैं, कुछ जो हैं वो ऑयल सेक्टर के मुतालिक हैं, और कुछ बाकी से जो सेक्टर हैं उनसे मुतालिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज का जो स्क्रिप्ट है वो है जी UBL। UBL की बात करें तो 138.67 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और कल इसने 5.53 रुपीस गेन दिया पर शेयर के ऊपर। तो हमें जो है इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, और इस वक्त जो है इसके तकरीबन 150 इसका ईयर का हाई है, तो ये 138 पे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल तो इसको इसकी कल ही एंट्री हमें करनी चाहिए थी फ्राइडे की सुबह, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से सडनली इनके अंदर इंक्रीज आया है। तो इनके अंदर ये जो है ट्रेडिंग वाले हैं, अगर ये आप UBL को ट्रेड के लिए इस्तेमाल से होल्ड आप प्लीज़ ना कीजिएगा। इनके अंदर जो मकतूबा हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। इसका 138.67 है। अगर हमें टेक्निकल की बात करें UBL की, तो 138.67 इसका जो है वो बाय लेवल बनता है, और इसके आप स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे तो 135.50 इसका स्टॉप लॉस है। तो इंशाल्लाह स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही 138 से ऊपर ही जाएगा। और ये इसका जो टारगेट है वो आप रखें 143-144 के आसपास, इसको आप बेशक सेल कर दीजिएगा। इसका जो लेवल बनता है वो 144 और या 143 के आसपास इसको आप सेल कर सकते हैं इस UBL को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बनता है वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड, और मीज़ान बैंक जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है 134.71। इसने कल 7.78 का रुपीज़ का गेन दिया, जो परसेंटेज में 6.13 बनता है। इसका जो ईयर का हाई है 165 है, और ये 134.71 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल इसका भी देखें, इस वक्त इसने 131 पे हमें बाय कॉल इसने जनरेट करके दी थी 8 अप्रैल को 131, जो इस वक्त जो है 134 पे ट्रेड कर रहा है। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, इसमें भी एंट्री हम ले सकते हैं मीज़ान बैंक के अंदर भी। और इसका भी अगर आप देखें तो इसका स्टॉप लॉस 129.75 बन रहा है इस वक्त। तो इसको अगर हम टारगेट की बात करें मीज़ान बैंक की, तो इसका तकरीबन 140 के आसपास इसको हम सेव कर सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 रुपये का मार्जिन रख के इसको आप सेव कर दीजिएगा बाद में। ये ट्रेडिंग वाले आइटम हैं UBL, मीज़ान बैंक, और ये बैंक अलहबी भी ट्रेडिंग वाला आइटम है, इसके अंदर होल्ड नहीं करना आपने। इसकी वजह ये है कि ये इंटरनेट बैंक का पता ही लगता है, एकदम डाउन हो जाते हैं फिर आप हो जाते हैं। तो फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आप इसको गेन करके इसे आप एग्जिट हो जाएं। 68.69 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है जी, 1.69 इसने हमें गेन दिया है फ्राइडे वाले दिन। तो इसका जो है ये 78.49 बनता है इसका ईयर का हाई, और इस वक्त ये 68.69 पर ट्रेड कर रहा है। इसकी टेक्निकल की बात करें बैंक हबीब की, तो बैंक हबीब इस वक्त इसने भी जो है 31.3 को वैसे एक्चुअल इसमें हमें जनरेट कॉल दी थी बाय कॉल 67.86 जब इसका रेट चल रहा था। तो इसके अंदर भी हम एंट्री कर सकते हैं। और बैंक हबीब जो है इसके अगर हम टारगेट की बात करें, तो इसका टारगेट तकरीबन 71 के आसपास या 72 तक जा सकता है, वहाँ तक इसको हम एग्जिट हो सकते हैं। तो ये जहन में रखिएगा, ये जो टारगेट वगैरह हैं इनको आप जहन में रखिएगा, और लंबा इसमें अगर होल्ड नहीं करना आप लोगों ने। इसके बाद है HPL इस वक्त 111 पे ट्रेड कर रहा है, और 37% इसका हाई है एक साल का। बैंक हबीब बैंक की अगर बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल इसने देखें जी 8.4 इसका बाइंग प्राइस थी, यहाँ पे बाय लेवल इसका जनरेट हो चुका था। और इसका अगर हम टारगेट की बात करें बैंक हबीब बैंक लिमिटेड की,
तो ये तकरीबन इसको 16-17 तक आप इसका टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पे आपको टारगेट अचीव हो आप इसे यहाँ से एग्जिट हो जाए, ठीक है। इसके बाद है नेशनल रिफाइनिंग लिमिटेड, ये होल्डिंग वाला आइटम है, ये 215 पे ट्रेड कर रहा है, इसको भी आप ले सकते हैं होल्डिंग के लिए फ्यूचर के लिए। तो ये तकरीबन 280-290 तक इसका टारगेट हम रख सकते हैं, लेकिन ये आप कम अज़ कम 3-4 मंथ के लिए होल्ड करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये प्राइसेस इसकी वापस आ जाएंगी। एक्चुअल ये जो आइटम है ये 600 रुपये वाला आइटम है, इसका आप देखें साल का जो हाई है वो 600 तकरीबन है, तो अभी भी ये 215 के आसपास है, इतना बुरा नहीं है, तो इसको हम लेकर होल्ड कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये 270-280 तक ये आराम से जाएगा। जब ये मतलब दूसरी बात ये भी प्राइसेस के बाद प्राइसेस जो हैं वो स्टक हुई हुई हैं, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस हाई हैं, हम जो है लो पे दे रहे हैं, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे हमारे लोकल मार्केट में भी तो नेशनल रिफाइनरी और जितने भी ऑयल सेक्टर इसके अंदर आपको तेज़ी नज़र आएगी। इसके बाद है पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड POL का 374 पर ट्रेड कर रहा है और इसका साल का हाई जो है वो 404 है। तो अगर हम इसके टेक्निकल पे जाएं पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड, तो ये 8/4 को 374.11 पर इसकी बाय कॉल जनरेट हो चुकी थी और इसको भी हम टारगेट तकरीबन 380 के राउंड रखेंगे फिलहाल, और इसके अंदर भी ट्रेडिंग करके आप एग्जिट हो सकते हैं। नेशनल रिफाइनरी जो है वो ये होल्डिंग वाला आइटम है, POL आप इससे ट्रेड कर सकते हैं और 374 लेके 378 to 80 तकरीबन 6 या 4 रुपये तक आप इसको इसके अंदर गेन ले सकते हैं। इसके बाद ये हमारा ये है PSO की मैंने ग्रुप के अंदर भी कॉल दी थी तकरीबन, और वीडियो के अंदर भी मैं काफ़ी बार इसको सजेस्ट कर चुका हूँ, जबकि 55-56 के आसपास था। तो इसने इसको भी होल्ड कर सकते हैं, इसके प्राइसेस इंक्रीज होंगी हमारे लोकल मार्केट के अंदर, तो फिर जो है इसके अंदर भी आप जो है तेज़ी देखेंगे। PSO को जो है हुकूमत ने तकरीबन 20 बिलियन भी रिलीज़ कर दिया है, जो इनका वो डिफरेंस था प्राइस के अंदर, तो इससे अंदर भी इसके अंदर तेज़ी आपको देख सकते हैं। तो ये 161 का आइटम है, इसको भी होल्ड करके आप तकरीबन 200 का टारगेट रखें, इसका 200 तक इंशाल्लाह ये जाएगा, लेकिन आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा, ये होल्डिंग वाला आइटम है। अच्छा जी, इसके साथ ये हमारा नेक्स्ट है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL भी इस वक्त जो है वो अच्छा जो है वो मोमेंटम में आया हुआ है। तो PRL की हम बात करें तो PRL जो है इसके में 11.16 पे बाय लेवल 24 तारीख को दिया हुआ था हमें, ठीक है, तो इसको भी हम ले सकते हैं और इसको इसका टारगेट जो है वो तकरीबन आप रख लें 16-17 के आसपास ये आपको यहाँ पे आप इसे एग्जिट हो सकते हैं। क्योंकि देखें जी ये इसलिए मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ कि ये स्किप जो होते हैं कि इनके अंदर जो है एक ओवरबॉट पोजीशन भी आ जाती है, जहाँ से मार्केट अगर अच्छी भी हो तो वो नेगेटिव जोन में दाखिल हो जाते हैं, तो इसलिए ये टारगेट आप रखें और जैसे ही नीचे डिप आते 12 भी हम इसको ले सकते हैं। तो पहले जो मतलब एक बार इसको यदि ऊपर जा रहे हो तो आप इसको सेल कर दें टॉप पे जाके, और जैसे ही नीचे वापस आना शुरू हो जाए फिर हम डिप पे इसको बाय करके दोबारा हम इसमें अंदर रैली में शामिल हो सकते हैं। तो ये अगर आप अपनाएंगे फ्रेंडशिप मार्केट के अंदर तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे और आपको फ़ायदा होगा, आपने मार्केट के साथ काम करना है। मार्केट सेंटीमेंट अच्छे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपने इसमें बाइंग करनी है, जब मार्केट सेंटीमेंट अच्छे ना हो नीचे की तरफ हमें सेलआउट करना है, तो इसलिए दो आपने चीज़ें अपने जहन में लाजमी याद रखनी है। PGGL जो है मैंने कल भी 8 तारीख की वीडियो मैंने बनाई थी, इसके अंदर मैंने इसकी वो थंबनेल था 4 बाय कॉल के, मैं आपको दिखा दूँ ये 4 बेहतरीन स्टॉक जी थंबनेल नज़र आ रहा है आपको 4 बाय कॉल, इसके अंदर मैंने PGGL की कॉल दी थी और PGGL की कॉल दी थी। तो PGGL जो 13.55 में ट्रेड कर रहा है इसको भी हम बाय कर सकते हैं, और इसके अगर हम लेवल की बात करें तो ये भी जब 6/4 को इसका बाय लेवल 12.40 सिग्नल जनरेट हो चुका था तो इसको भी हम बाय कर सकते हैं 13.55 पे, और इंशाल्लाह इसका भी जो हम टारगेट रखें तकरीबन 18-19 के लगभग, तो यहाँ पे भी आप इसको जो है ट्रेडिंग वाला आइटम है यहाँ पे आपको अच्छे जो है वो मुनाफा मिले आप इसे एग्जिट हो सकते हैं। इसके बाद PGGL है, ये अभी ये PGGL उस लेवल के अंदर है कि आप उसे फंसेंगे नहीं ना, इसका मतलब है कि साल के लो कितना है जी 14 रुपये तकरीबन इसका साल का लो लगा हुआ है, 17 पे ट्रेड कर रहे हैं 61 पे, तो ये नीचे इतने आने के चांसेस अभी इसके फिलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं दोनों के, इनके अंदर आप होल्डिंग करके बैठ सकते हैं और इस 17.61 पे ट्रेड कर रहा है, और इस यहाँ पे PGGL की बात करें तो ये भी 16.24 पे इसकी बाय कॉल जनरेट हो चुकी थी, जब ये 17 जब ये 7 तारीख को,
तो इसके अंदर भी जो है हम एंट्री कर सकते हैं, 17,061 है, इसको आप ले सकते हैं। इसको आप होल्ड करके इसके अंदर तकरीबन तकरीबन अगर हम इसका टारगेट लगाएं तो 25 से के करीब जाएगा, तो वहाँ से आप इसे एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इन आइटम को अपनी नज़र में रखना है, और ये तो मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी रिसर्च है। बाकी आप लोग मार्केट के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से क्या सोचते हैं, वो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, और हमारा व्हाट्सएप को लाजमी ज्वाइन कीजिए, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो सके, हमारे भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो इसके साथ ही जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। और काइंडली वीडियो को पूरा देखिए, ताकि जो है वो इसको स्किप ना किए करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।